फाइव कम्पिटेटिव क्लासेस के यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। रेलवे के एग्जाम को देखते हुए वो कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों का कमेंट रहा कि वो सर साधारण ब्याज का कुछ ट्रिक नहीं ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि वो साधारण ब्याज चैप्टर में मैंने क्या कि काफ़ी अलग तरीका होगा, अपने आप में काफ़ी नायाब थोड़ा अच्छे से आपको समझेंगे ठीक है। बस समझ वाली बात होगी, बाद में कि ये तरीका आपको ना किताब में मिलने वाला ना किसी और टीचर से शायद मिल पाएगा ठीक है। तो आप अच्छे ध्यान रखेंगे, अभी नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में इसको बोलेंगे साधारण ब्याज ठीक है, साधारण ब्याज इसी को शॉर्ट में लोग बोलते हैं ना OSI। आप जान लीजिए हम किन किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले एक शब्द आएगा SI जिसको बोलेंगे हिंदी में साधारण ब्याज, एक आएगा मूलधन प्रिंसिपल जिसको वो शॉर्ट में इंडिकेट करेंगे P से, एक आएगा आपका रेट जिसको दर बोलते हैं हिंदी में उसको इंडिकेट करेंगे R से, एक आएगा टाइम जिसको इंडिकेट करेंगे T से समय ठीक है, एक आएगा अमाउंट जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन और वो इंडिकेट करेंगे A से ठीक है, और एक आएगा आपका इंस्टॉलमेंट जिसको हिंदी में किस्त बोलते हैं और वो हम इंडिकेट करेंगे इसे ठीक है। सबसे पहली बात थोड़ा बहुत ना वो पहचान आप लोग जान लीजिए, बिकॉज काफ़ी लोगों को तकलीफ होता है ठीक है। पहले तो जो आप क्लियर समझ पाएंगे ना हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। रेट वैसी राशि को बोल रहे हैं इसके अंत में परसेंट का चिन्ह लगाओ ठीक है, वो रेट होगा। समय के बारे में बात करें इसके अंत में दिन मतलब डेज मंथ या ईयर लगा होगा उसको बोलेंगे और समय ठीक है। लेकिन जान लीजिए वो साधारण ब्याज के चैप्टर में हमेशा जब भी आप समय की गणना करेंगे तो आपको साल में ही लेना होगा। मान लीजिए बाइला के एग्जाम में रह गया ना वो या सवाल में आपको डेज में दिया हुआ दिन ठीक है, तो आप 365 से भाग देंगे इसको साल बना लेंगे। अगर महीना में रह गया तो 12 से भाग देंगे इसको आप साल बना लेंगे, और साल है तो वो साल है ही है ठीक है। अब अमाउंट का जान लीजिए, मोटा मोटी बात जानिए ठीक है ना, समझने के थोड़ा वो जानिए, जिसके अंत में हो जाता है हो जाती है या हो जाएगा ऐसा कुछ सब लगा हो उसको अमाउंट बोलेंगे ठीक है। इंस्टॉलमेंट के बारे में अगले क्लास में बात करेंगे, अभी वो इंस्टॉलमेंट को भी कट करें ठीक है। बाद बाकी मूलधन जो मूल राशि होती है मतलब जो आप किसी को सूद पे लगाए या किसी को आप दिए ठीक है, वो मूल राशि उसी को मूलधन बोलेंगे ठीक है। जो आप पूंजी इन्वेस्ट किए किसी को फायदा लेने के लिए उसको मूलधन बोलेंगे, और उससे जो एक्स्ट्रा इनकम आपको होता है ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा इनकम हुई उसको बोलेंगे लोग ब्याज ठीक है। उसी को ब्याज को कहीं कहीं साधारण ब्याज बोलता है, कहीं सरल ब्याज बोलता है, ध्यान रखें ठीक है। अब यार पूरे चैप्टर का सीधा एक फार्मूला को पूरे चैप्टर के लिए पूरे चैप्टर में इसको अप्लाई करेंगे ठीक है। चाहे कोई भी टाइप हो कैसा भी तरीका हो SI का सवाल हो, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला ठीक है। ट्रिकी दुनिया में थोड़ा क्या करना है कि मूलधन को हमेशा 100 मानना है, मूलधन को हमेशा 100 मानना है ठीक है। चाहे भी कैसा भी हालात हो हमेशा मूलधन को हम 100 मानेंगे, और एक फार्मूला होगा ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर दर गुणा समय। मतलब ये कि दर और समय के गुणनफल को ब्याज बोलेंगे ठीक है, दर और समय के गुणनफल को ब्याज बोलेंगे ठीक है। एक बार आप जानिए वो मिश्रधन किसको बोलते हैं, मिश्रधन कहने का मतलब ये कि मूलधन जो आप पूंजी इन्वेस्ट किए ठीक है ना, वो और साथ में जो एक्स्ट्रा इनकम और मतलब ब्याज दोनों मिल करके मिल गया ना उसको बोलेंगे मिश्रधन ठीक है। मतलब ये मिश्रधन के लिए एक नया फॉर्मूला है मूलधन जुड़ ब्याज ठीक है। अगर आप इतने वो बातों को अच्छे समझते हैं तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको दिखा देंगे। जैसे बचपन में बहुत लोगों को सवाल है ना कि सर हम वो पढ़े थे वो PTR/100 इस टाइप का फॉर्मूला ठीक है, तो हम दिखा देंगे आपको, देखिए उसी फॉर्मूले को हम कैसे बोलेंगे। बिकॉज मेरा जो भी चैप्टर होगा वो सब रेशियो पे भेजोगा ठीक है। जैसे बचपन का फॉर्मूला SI बराबर PTR/100 ठीक है। अब इसी को हम प्रूफ करें ना कि वो कैसे ट्रिकी दुनिया में कैसे बनाएंगे। अभी हम बात की ना कि मूलधन को हमेशा 100 मानेंगे चाहे वो कैसा भी आदत हो। कहने का मतलब P का वैल्यू 100 के बराबर गुना T गुना R बटा 100, ये 100 का दुरियल फॉर्मूला क्या बनेंगे SI बराबर R गुना T। कहने का मतलब ये जो 100 ट्रिक में फॉर्मूला ना ये भी आपके उसी बड़े फार्मूला से ठीक है, बट ट्रिकी दुनिया में इसका यूज करना काफ़ी आवश्यक है। बिकॉज